मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाकी बिहारी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए आज मैं आपके लिए बनाती हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया सा खाना, जो कि हम भोग लगाएंगे सारा दिन, कुछ ना कुछ आपको खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे और जन्मदिन मनाते रहेंगे। जन्माष्टमी की ना खूब सारी धूम मची हुई है चारों तरफ, और मैं बनाने वाली हूँ घर पर आज कृष्ण जी के लिए भोग, जिसमें बनाऊंगी आलू पूड़ी, आलू के साथ में कचौरी भी बनाऊंगी और बूंदी रायता डालूंगी, धनिया पंजीरी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी और साथ में ही सफ़ेद माखन और साथ में मिश्री का भोग, पंचामृत और कुछ फल रखेंगे, और साथ में ही या तो मैं जो इस्कॉन टेम्पल में खिचड़ी मिलती है ना, भोग वाला प्रसाद बहुत टेस्टी होता है, कितनी भी वीडियो में जरूर खाती हूँ, तो या तो वो बनाऊंगी और या फिर दाल चावल। तो झटपट से ना हम तैयारियां शुरू कर लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज मेरा मंदिर कैसा सजा हुआ है। तो लीजिए फटाफट से आप लोग कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए, कूटी कूटी कान्हा जी, इनको हैप्पी बर्थडे सब जने बोल दीजिए। ये देखिए बाकी बिहारी जी हैं, ये भी कान्हा जी हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर में एक कौन आया है। ये देखिए राम लक्ष्मण सीता और उनके परम भक्त हनुमान जी, तो इनका जो कृपा दृष्टि है हमारे घर पर बनी रहे, बहुत ही बढ़िया। देखिए इनके चरण देखिए, और बहुत सुंदर परिवार है। ये देखिए इधर साईं बाबा जी बैठे हैं, ऊपर माँ लक्ष्मी जी बैठी हैं, और इस तरीके से मैंने अपने घर का मंदिर जो है सजाया है। और ये 12 बजे इतना सब कुछ खाएगा? नहीं, पहले खिला देंगे, फिर सुला देंगे, फिर 12 बजे उठा लेंगे उनको, फिर उनको स्नान कराएंगे, फिर उनको दही मिश्री माखन का भोग लगा देंगे। बस पहले खिला देंगे, पहले 8 बजे उनको भोग लगवा देंगे। मैंने जो मेरा जिम्मी है ये भी आराम कर रहा है, इसको भी प्रसाद का बहुत शौक है, मीठा मीठा खाता है ना। सबसे पहले हम बनाएंगे धनिया की पंजीरी, तो उसके लिए देसी घी लिया है कढ़ाई में, 2 से 3 चम्मच काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, मखाने डाले हैं, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो बस भूनने के बाद हम क्या करेंगे, आधे को हम पीस लेंगे मिक्सी में दरदरा, और आधा हम साबुती रखेंगे। तो ये पीस लिया, एक कटोरी मैंने धनिया पाउडर लिया, इसमें डालेंगे और 1 से 2 मिनट बहुत धीमी आँच पर भून लेंगे। और इसको अच्छे से भूनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो डाल दीजिए और इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, और ठंडा होने पर ही इस पर चीनी का पाउडर डालिए। तो पिसी हुई चीनी डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है, गर्म में नहीं डालना, नहीं तो पानी छोड़ देगा। जैसे ही मिक्स कर लेंगे इसमें डाल दीजिए तुलसी के पत्ते, क्योंकि कृष्ण जी के प्रसाद में तुलसी के बिना प्रसाद नहीं बनता। पंजीरी प्रसाद के बाद हम खीर बनाएंगे, तो मैंने दूध एक उसमें बाउल पतीले में गर्म करना रख दिया है, चावल डाल दिए हैं, अब धीमी आँच पर हम इसको अच्छे से पकने देंगे, जब तक गाढ़ी ना हो जाए तब तक हम आलू उबाल लेते हैं। तो ये मैंने कचौरी के लिए आटा लगा लिया है, और मैं अभी जो पूड़ी वाला आटा है वो भी गूंथ लेती हूँ। पूड़ी के लिए मैंने आटा ले लिया, इसमें नमक डाला है, रिफाइंड डाला है, और ये है अजवाइन के फ्रेश पत्ते। तो जो नॉर्मल अजवाइन आती है जो हम डालते हैं वो नहीं है, ये फ्रेश अजवाइन के पत्ते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और उससे ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है इसमें। तो इसको बारीक बारीक काट कर मैं इसी में डालकर आटा गूंथ लेती हूँ। ये मैंने आटा गूंथ लिया है, और ये देखिए अजवाइन के जो पत्ते हैं ये मेरे घर पर ही लगे हुए हैं ऊपर छत पर, किसी दिन आपको जरूर मैं इसका पौधा दिखाऊंगी, मैं इंदौर से लाई थी। तो अभी ये जो है, अगर आपके पास ये वाले पत्ते नहीं हैं तो आप परेशान मत होना, आप नॉर्मल अजवाइन डालना। चावल और दूध आधे पक गए हैं, अब इस समय मैं आधी एक कटोरी छोटी मखाने डाल रही हूँ, तो मैं चावल और मखाने की खीर बना रही हूँ, और अब मैं इसे पकने दूंगी, और जब तक मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। तो खीर जो है ना बहुत अच्छे से पक चुकी है, और अब इस समय में मैं इसमें डाल दूंगी चीनी। तो जो चीनी है वो आप अपने अनुसार डालिए, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क, और 4 से 5 चम्मच डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि खीर वैसे भी हमारी जो है कम से कम 1 से 1.5 घंटा पकी है, और थोड़ा सा ये डालने के बाद तो टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और इसको मैं बिल्कुल ठंडा करूँगी अच्छे से, और ठंडी ठंडी कान्हा जी को खीर भोग लगाएंगे। और उससे पहले क्या करूँगी, कटा हुआ ये जो मावा था ये डाल दूंगी, काजू, किशमिश और बादाम, और इसमें आप चाहें तो केसर भी डालें और इलायची भी डालें, इलायची अभी डालूंगी और ठंडा करूंगी। और अब मैं आलू की सब्जी बना लेती हूँ।
कान्हा जी के लिए पूड़ी के साथ ये आलू की सब्जी बनानी बहुत ही मज़ेदार लगती है मुझे, क्योंकि बहुत आसान है बनाने में। बस नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और गरम मसाला डाला और टमाटो प्यूरी डाली, नहीं तो आप फ्रेश टमाटो डाल सकते हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करें। जैसे ही इसमें उबाला आ जाए तो इसमें आप डाल दीजिए पानी। तो मैंने एक गिलास जो स्टील का होता है वो भरकर पूरा का पूरा पानी का डाला है। कम लगेगा तो और डाल लेंगे। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उबाला जैसे ही आने लगेगा हम इसमें उबले हुए आलू को इस तरीके से मैश कर डाल देंगे, क्योंकि ये काटने नहीं है, ऐसे ही बनाने हैं, ये ऐसे ही बनते हैं। तो इसको आप पूड़ी और कचौड़ी के साथ खाएंगे ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। जब कभी कुछ नहीं समझ आता तो मैं इसी तरीके से ये बनाती हूँ। ड्राई फ्रूट सारा काट लिया है और अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने दही ले लिया है और इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं दही भल्ले बनाऊँगी, पर सब कुछ बहुत हैवी हैवी हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ ये दही बूंदी डालूँगी। तो मैंने दही को फेंट लिया है और फेंटने के बाद मैं इसमें बूंदी डालूँगी एक कटोरी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने से पहले मैं इसमें आधी कटोरी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि दही गाढ़ा है और बूंदी जो है ना वो पानी सारा सोख लेती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको इस तरह कर दिया है। अभी मैं इसमें कोई मसाला कुछ भी नहीं डालूंगी, नमक भी नहीं डालूंगी। जिस समय खाने लगेंगे, भोग लगाएंगे, उसी समय हम लोग इसमें नमक वगैरह डालेंगे, नहीं तो दही खट्टा हो जाएगा। तो दही बूंदी बनकर तैयार है, इसको हम रख देते हैं। यार ये सब मत दिखाओ। क्यों ना दिखाए? सारा लाइट यहाँ पे, ये मनी प्लांट भी है हमारा। वो इधर लगाओ सारा। क्या कहते हैं मम्मी? मेरे का तो अपने ही है। चलो अब भोग लेकर आते हैं, ठीक है? क्या बात है, सगन आ गया? इसको रोना आ जाता है जैसे शंख भाई। खुश होते कि रोते हैं? जिम्मी तू खुश होते कि रोते हैं? चलो मेरे बेबी।